तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल। और तुम क्यों रो रही हो? उठ रो रहा है तो सच में रो रहा है, पता है। उल्लू उल्लू बना दिया बहुत सारे आपके साथ, पोपट हो गया। ताजमहल में ये है वो है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस चीज के लिए वीडियो आई थी उसमें क्या है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हम लोग सोकर उठ गए हैं क्योंकि आज हम लोग को जल्दी जाना है, कल ऐसा हुआ कि कहीं जा नहीं पाए तो आज जल्दी से जाएंगे और दोपहर में बहुत ज्यादा धूप हो जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि यार हम सुबह सुबह तक 5 बजे तक तो सबको चले ही जाना है, बट सोने में बहुत ज्यादा लेट हो गया और 4:30 नहीं आई थिंक, हाँ 5:05 हो रहे हैं तो हम लोग लेट हो गए। अभी हम जस्ट सोकर उठे और मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ और देखो मैंने चाय भी ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे बहुत सुबह सुबह यू नो बिना चाय पिए अजीब सा फील होता है, तो मेरे को ऐसा था कि चाय पी कर ही जाऊंगी। तो सब लोग उधर रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, मतलब अभी अभी जस्ट ऑर्डर किया था, चाय पी के फिर मैं जाऊंगी। और मैं पहनने वाली हूँ कौन सा ड्रेस, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पहनूंगी ये ब्लैक ड्रेस और आई थिंक सबने ब्लैक ही चूज किया है और ये ड्रेस मैंने स्वीटी दी को बोला था कि मेरे लिए कुछ मतलब खरीद लेने का, तो वहां से उन्होंने GIP से लिया था, बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पर देखो आंटी का मेकअप हो रहा है, समरीन ने मेकअप कर लिया है और बस ड्रेस पहनना बाकी है। और ये भी दिखाना, तो दिखाइए तो सर अब अपना लुक। मैं तो रेडी, ठीक लग रहा है। पहली बार जिंदगी में आपने कुर्ता पहना है ऐसा, मतलब कलरफुल है ना, तो अब देखो अब ये अपना लुक बदले, बेकार लग रहा है एकदम। तो चलो मैं भी अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। गाइस ओ माय गॉड, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है कलर। गाइस ये देखो यहाँ का व्यू कितना, ऐसा लग रहा है कि धूप हुआ है लेकिन ये धूप नहीं, आई थिंक ये लाइटनिंग हो चुका है। 11 बजे आएंगे हम, स्विमिंग पूल भी साफ हो चुका है। हाँ स्विमिंग पूल भी क्लीन हो चुका है लेकिन अभी हम नहीं नहा सकते, अभी हम जा रहे हैं घूमने, तो इसलिए हम थोड़ी देर बाद जब आएंगे तो नहाएंगे। मैं तो इसलिए वीडियो कर रही हूँ क्योंकि ये देखो व्यू कितना ज्यादा प्यारा है, वाओ। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं और मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही रेड लग रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने इतना ज्यादा कुछ लगाया भी नहीं रेड। कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है दबा दिया गया चारों तरफ से। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल और वेट कर रहे हैं समरीन और सुजी और उनका, क्योंकि वो लोग दूसरे कैब में आ रहे थे, उनका थोड़ा सा लेट है तो इसलिए दो कैब करना था, तो इसलिए बस थोड़ी ही देर में वो लोग आएंगे फिर हम लोग अंदर जाएंगे। इस हम जा रहे हैं ऊंट वाली राइड लेने, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत टाइम बाद बैठी, मुझे लग रहा है मैंने कभी बैठा ही नहीं है। चलो यहाँ पर इतने सारे व्लॉगर है कि कौन किसकी में हाय करेगा पता ही नहीं चल रहा है। गाइस हम बैठ गए हैं ऊंट राइड पर और समीन को लग रहा है कि ऊंट रो रहा है क्योंकि हम सब यहाँ पर उसके ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम क्यों रो रही हो? ऊंट रो रहा है तो सच में रो रहा है, पता है नहीं रो रहा है आपका। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मेन गेट पे और जा रहे हैं ऊंट की सवारी करके, हमें एक जगह पे छोड़ दिया गया है और बोला कि बस यहाँ से जाओ, अब तुम निकलो यहाँ से फोटो। हाँ तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, आई होप कि बहुत जल्दी मिल जाए हमारा डेस्टिनेशन। तुम ये 2 साल पहले आई है फिर भी इसे कुछ नहीं पता, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और मैं अगर एक बार भी आता अगर तो मुझे सब कुछ पता रहता है किस तरीके से। और यहाँ पर सब, और एक और चीज यहाँ पर है ना कि किसी से बात नहीं करने का है, उल्लू बनाते हैं बहुत सारे। लेकिन गाइस मैं जब आई थी ना, मैं अपने बुआ फूफा मम्मी पापा के साथ आई थी, तो मैं गाड़ी से आई थी, वो वहाँ पर ही ले जाके उतारे जहाँ पर ताजमहल है। दोनों ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, हमें एंट्री के लिए हमारे पास टिकट नहीं है तो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, जल्दी से करो भाई। यहाँ पर देखो यहाँ से एंट्री होगी, वो लोग अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। काजल हमारे साथ है, काजल गर्मी हो रही है ना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आलू प्याज बेच रहा है, उठा के ला रहा है। दिखाना दिखाना चप्पल ले ली, ले लिए ना, सही किया यार, पता है हील पहन के यहाँ चलने लायक नहीं है। सबकी एंट्री हो रही है स्कैन करके, टिकट स्कैन करके एंट्री हो रही है। गॉड पूरा खूबसूरत लग रहा है, चश्मा लगा के आंटी का व्लॉग कर रहे हैं, जान लो इतना कुछ करना पड़ता है, बहुत दूर है गाइस, अभी हमें बहुत चलना है, बहुत चलना है, उसके बाद आएगा ताजमहल। धूप इतनी तेज है, बहुत धूप है, बहुत इरिटेशन हो रहा है। और ये देखो गाइस यहाँ पर पूरा आगरा में जितनी सारी एक्सप्लोर करने वाली चीजें सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
वाओ गाइस देखो यहाँ पर हमें गेट मिल गया और उसके अंदर हमें जाना है और ये ताजमहल देखो देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सो अन्नू का आउटफिट ये है आज का, बहुत ही सिंपल एंड सोबर था जो ताजमहल को मैच कर सके। यहाँ पर सबसे ज्यादा अजीब सफर क्या लग रहा है, लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं। टूट गया नहीं है, ये निकल गया है। आपके साथ पोपट हो गया? नहीं यार इतना भी पोपट नहीं हुआ, लग तो लग जाएगा ना। तो गाइस मेरा पोपट नहीं हुआ, मैंने बना लिया अपना बैग। यहाँ पर सब कुछ सही है बट पसीना बहुत है और लोग बहुत ज्यादा। यार हम अब चले जल्दी से ब्यूटी को देखने। आप इसे देख कर ना ऐसा लगेगा आपको कि यार कितना अच्छा है ये। एक्चुअली इसकी बनावट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए ये खूबसूरत है। जैसे साइंस के हिसाब से तो ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सिमेट्रिकल देखते हो ना। अगर अब आपको फाइनली मैं दिखाऊंगी ताजमहल एकदम क्लोज से, एकदम बहुत ही प्यारा था। लग रहा है इस गर्मी में बहुत बेकार सारा मजा खा। ओह माय गॉड सेलिब्रिटी को देखो गाइस, मैं तो फ्लैट हो गई। इस यहाँ पर रील बन रही है और एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, कैसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तभी हम लोग ताजमहल के एकदम नजदीक आ चुके हैं और बस हम लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं और हम जाएंगे अंदर, क्योंकि इस बारी हमने लिया है अंदर जाने के लिए भी टिकट, क्योंकि अंदर पिछली बार मैं आई थी तो मैं अंदर नहीं गई थी और मैंने इतने अच्छे से देखा नहीं कैसे जाना है। तो गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर है मस्जिद जहाँ पर नमाज पढ़ना है और यहाँ पर है ताजमहल और चारों तरफ से है सेम, उधर से भी सेम दिख रहा था, इधर से भी सेम दिख रहा था, चारों तरफ से सेम है। इसके पीछे गंगा नदी, यमुना नदी आई थिंक। तो इसमें तो मस्जिद में सिर्फ वही जा सकते हैं जिसको नमाज पढ़नी हो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मस्जिद और जूते चप्पल वहाँ उतारेंगे ना वहाँ पर, अरे तो वहाँ पर उतरा है यार, वहाँ पर उतारेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद, आंटी को नमाज पढ़ना है इसलिए। आंटी पढ़ सकते हैं क्या, अभी टाइम नहीं है? बिल्कुल एकदम डरपोक, अब चप्पल हाथ में लेके आ रहा है भैया। मस्जिद में जाते हैं लेकिन मंदिर मस्जिद यहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ पर भी होता है इसलिए मना किया गया है, वो लोग भी ऐसे ही करे होंगे। अच्छा सॉरी गॉड, मस्जिद के अंदर मंदिर, अब यहाँ से मस्जिद है ना, वैसे गर्ल्स पता नहीं अलाउ नहीं है, चलो अंदर यहाँ तक तो जा ही सकते हैं। तो गाइस गाइज यहाँ पर है यमुना नदी जो कि ताजमहल के जस्ट पीछे है और यहाँ पर है रेड फोर्ट जो कि यहाँ से सीधी दिखता है, बट वहाँ पर अभी तो हम नहीं जा सकते। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लग रहा है कि मेरा गांव है सच में। गांव गांव ऐसा है क्या, मतलब नदी बगल में? अच्छा सही है, नदी बगल में। मुझे समझ नहीं आ रहा कितना ज्यादा पत्थर लगा होगा इसको बनाने में, कैसे कटिंग हुई होगी, कैसे डिजाइन किया गया होगा। तो गाइज ऐसे तो बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं यूट्यूब पे, ये हुआ वो हुआ ताजमहल में ये है वो है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस चीज़ के लिए वीडियो आई थी उसमें क्या है। यहाँ पर है ये और ये है एक रूम जो कि अंदर जाने पर पता चलेगा। गाइज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पा रहा, आँख पे सीधे रोशनी पड़ रही है सूरज की। और अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, तो उसके लिए हमें पहनना पड़ेगा फुट कवर बोलते हैं ना इसको, क्योंकि अंदर जो है यू नो मॉस्क टाइप तो भी है, तो उसके लिए हमें अंदर ये पहन के जाना पड़ेगा वरना अलाउ नहीं है, वरना पैर चप्पल निकालना पड़ेगा और वो चोरी हो जाएगा, इसलिए चलो मैं यही पहन। तो गाइज मैं पहन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपना फुट कवर, और बड़ा गंदा सा लग रहा है यू नो, सी बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, बिल्कुल पागल वाला लग रहा है, लेकिन हमें पहनना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमें अंदर जाना है। सही सही है, हाय राम बहुत गर्मी है, चलो यार चलो जल्दी चलो। हम लोग जा रहे हो पर कैमरा अलाउड है या नहीं, अगर अलाउ होगा तो अच्छा, मोबाइल बंद करके रखना है यार, तो मोबाइल बंद करना है, तो गाइस मोबाइल ने बंद कर दिया। तो गाइस एकदम ऊपर हम लोग आ गए, एकदम पास, एकदम अंदर। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं बाहर, हो गया। ओह गॉड गाइस इतनी ज्यादा गर्मी है कि देखो मैंने क्या कर रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अपना पूरा दुपट्टा अभी को खोला, तब इसके पहले मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था कि मैं इसे सर पर लगा लूं। ओए होए, तो अब हम जा रहे हैं, चलो
आओ नीचे बताते हैं। गाइज अगर आप लोग कभी भी आना आगरा और अगर आप गर्मी के सीजन में आ रहे हो तो प्लीज एकदम सुबह सुबह आना। 7 बजे ये ताजमहल खुल जाता है, मतलब एंट्री हो जाती है, और 6 बजे सॉरी, तो आप टाइम से घूम के निकल जाओगे, धूप नहीं लगेगी। 5 बजे आ जाना और 6 बजे एंट्री मिल जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा, इतनी खूबसूरत जगह है लेकिन मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि क्या यार बहुत धूप है, बहुत धूप है, कुछ नहीं किया जा रहा है। कहाँ से म्यूजियम तो गए ही नहीं। म्यूजियम कहाँ है भाई? म्यूजियम तो गए ही नहीं। मजा आ रहा है इनको देख के। मजा आया में, ये हालत तो सर ने मजा आया। अभी तो म्यूजियम चल रहा है नहीं बना रहा भाई। म्यूजियम म्यूजियम अब नहीं जाना। माफ करो। ओह गॉड, पानी मेरे पास, पानी पी जा। पानी बहुत तेज प्यास लग गई है, बहुत तेज है ना। पानी पिया क्या? बोला ही नहीं जा रहा, इतनी प्यास लग रही है। हां पानी भी नहीं मिल रहा यार, नहीं चला जा रहा, नहीं चला जा रहा। फोटो तो ले ले रहा था। हां गाइस सब ऐसे भाग रहे हैं, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, सब भाग रहे हैं भाग रहे हैं। और हम तो म्यूजियम भी नहीं गए, हमने ये मार्केट भी नहीं गए, हमने पे भी किया था लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल नहीं। गाइस ये देखो ये दोनों लोग कैसे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं काशीपुर ज्ञान। अब आएगी जान में जान, बहुत सुबह से प्यासे थे। जल्दी पियो पानी और हम लोग को भी दो। लो लो लो। नहीं तुम पियो 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 पियो। तो अभी मैं आ गई हूँ होटल और देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। ले लो ना कुछ। क्या लेना? फाइनली अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने और अब इतना सारा चीज मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन दिस ब्रेड, वो भी जैम लगाकर, और ये क्या है, आई थिंक उपमा, आई डोंट नो क्या है ये, और ये पपाया, पाइनएप्पल जूस एंड देन पाइनएप्पल, बिकॉज मुझे पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं और भी चीज़ें लूँगी बट पहले मैं इसको फिनिश कर दूँ। और ये देखो ये लोग क्या लिए हैं, तुमने बहुत कम चीज़ें ली हैं भाई। आई डोंट लाइक न्यूट्रिला, आई लाइक जैम, तो मैंने जैम लिया है। जान पता नहीं क्या क्या लिया है। और ये इसका, इसको वाटरमेलन पसंद है, मुझे वाटरमेलन पसंद नहीं है, और ये वाटरमेलन जूस है और मेरा पाइनएप्पल जूस है। तुमने कौन सा जूस लिया है? मिक्स फ्रूट लिया है। ओके लेट्स एंजॉय। थकान देखो लोगों की, थकान आ रही है, तो बहुत थक गया है। अच्छा यहाँ का भी एक रील बना लेते, थक गया ऐसे। नाचो रे नाचो नाचो। तो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज का जो व्लॉग था, मतलब आज का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही ज्यादा अजीब सा हुआ क्योंकि इतना ज्यादा धूप हो गया था गाइज, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब हम लोग वहां से निकल गए तो धूप खत्म हो गई, तो इसको तो हम क्या ही कह सकते हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो अच्छे मौसम में आएंगे, अच्छे सीजन में आएंगे, ताकि हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और यार जब धूप लगता है तो सच में बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है आगरा, ताजमहल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मे भी हम कहीं और अगर जाते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, अगर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल। और तुम क्यों रो रही हो? उठ रो रहा है तो सच में रो रहा है, पता है बना दिया बहुत सारे के साथ, पोपट हो गया।